उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद से बड़ी खबर बता दें आपको, जहां पर एक्शन मूड में बाराबंकी जनपद के पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद दिख रहे हैं। आपको बता दें कि बाराबंकी जनपद के जैतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मार्फीन तस्कर से मुठभेड़ हुई, उसके बाद गिरफ्तारी हुई। फिलहाल मामले की पूरी जानकारी बाराबंकी जनपद के पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद दे रहे, पर बाराबंकी जनपद से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर बाराबंकी पुलिस की मार्फीन तस्कर के साथ मुठभेड़ देखने को मिल रही है। फिलहाल पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। जनपद बाराबंकी के जैतपुर थाना क्षेत्र में कुछ अपराधियों के आने की सूचना मिली थी, जिसमें जैतपुर सफदरगंज मार्ग पे कुछ मुखबिर की सूचना पे रोकने का प्रयास किया गया मोटरसाइकिल को, जिसमें इन लोगों ने रुकने से मना किया और पुलिस पे फायर किया, जिसमें हमारा एक कांस्टेबल घायल हुआ। काउंटर फायरिंग में एक अपराधी घायल हुआ, दोनों को हॉस्पिटल भेजा गया है। जब इनसे गहन पूछताछ की गई तो ये पता चला कि जो अपराधी है शत्रुघ्न नाम का है, ये NDPS का अपराधी है और कई जगह पे लखनऊ, दिल्ली और बाराबंकी के कई थानों में वांछित अपराधी रहा है। ये NDPS का काम करता था लगातार इस क्षेत्र में, और अभी घायल हुआ है, इसको हॉस्पिटल भेजा गया है। इसका एक साथी अखलाक जो मौके से फरार है, उसके लिए काम्बिंग जारी है। इस क्षेत्र में जो भी ऐसे अपराधी हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी, और लगातार ऐसे अपराधी हैं उनको सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। ये इंटरनेशनल हब बोला जाता है मार्फीन का, यहाँ पे जो जैतपुर है उसके लिए आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? लगातार इस क्षेत्र में ऐसे अपराधियों को चिन्हित किया जा रहा है, जो भी NDPS या मार्फीन या चरस तस्करी में इन्वॉल्व हैं, इन लोगों की लिस्ट तैयार की जा रही है, और सभी ऐसे अपराधी जो हैं उनको बिहाइंड द बार पहुँचाया जाएगा।